हेलो दोस्तों, आज जो मैं आप लोगों के लिए प्रोडक्ट लेके आया हूँ वो प्रोडक्ट है मसल ब्लेज का बिगनर प्रोटीन और जो है चॉकलेट फ्लेवर। आप लोगों का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। आप लोगों को मैं बता दूँ, ये चार फ्लेवर में अवेलेबल है, चॉकलेट फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, ऑरेंज फ्लेवर और एक है बबल गम फ्लेवर और एक फ्लेवर है ब्लूबेरी। ये पांच फ्लेवर्स में अवेलेबल है। मुझे चॉकलेट फ्लेवर ठीक लगता है इसलिए मैंने इसे चॉकलेट फ्लेवर ऑर्डर कर दिया। ये 1 kg की पैकिंग है। इसकी MRP 2000 रुपीज है, बट आपको ये 1000 से 1200 के बीच में ही मिल जाएगा। देख लीजिए। और जो इसकी मुझे अच्छी चीज लगी कि इसकी जो लाइफ है वो 18 मंथ्स है फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो आप लोग अपने हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं। आप लोगों को कौन सा फ्लेवर पसंद आता है? चॉकलेट फ्लेवर तो आई थिंक सभी को पसंद है, तो इसलिए चॉकलेट फ्लेवर भी ऑर्डर कर सकते हो आप लोग। और पहले ये प्लास्टिक की बॉक्स में आता था, आजकल इन्होंने अपनी पैकिंग चेंज कर दी तो ये आजकल इस टाइप की पैकिंग में देते हैं। अब आप लोगों को मैं इसकी न्यूट्रिशन वैल्यूज भी दिखा देता हूँ। ये देख लीजिए, इसमें 100 ग्राम में आपको 40 ग्राम प्रोटीन मिलेगा जो बिगिनर्स के लिए सफिशेंट है, और इसके अंदर शुगर भी 0 ग्राम है, तो मुझे ये इसकी अच्छी बात लगी। और इसके अंदर डाइट्री एंजाइम्स भी डाल रखे हैं इन्होंने, जिससे कि हम इसे इजीली एब्जॉर्ब कर सकें। हम आप लोगों को इसे खोल के दिखा देता हूँ। मुझे इसे लेते हुए 1 वीक हो चुका है, इसलिए मैंने अब सोचा कि इस वीडियो को मैं आप लोगों को बनाकर दिखा दूँ। देख लीजिए, चॉकलेट फ्लेवर है और ये इसका स्कूप है। ये 30 ग्राम की सर्विंग देता है। इसको बस आपको फ्लैट करना, फ्लैट मतलब ऊपर तक ईप नहीं करना, बस खाली लेवल तक ले गया ना, वो 30 ग्राम की सर्विंग देगा आपको। और आप इसे वोटर के साथ ले सकते हैं। और एक और बात का ध्यान रखिए, अगर आपने आज तक प्रोटीन लिया ही नहीं है तो आप इसे ले स्टार्टिंग के 3 डेज 15 ग्राम की सर्विंग लें और 4th डे से स्टार्ट कर दें फुल स्कूप लेना। तो देख लिया आप लोगों ने। तो मैं आप लोगों से अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। मुझे इसे लेते हुए 1 वीक हो चुका है, मुझे तो आज तक कोई भी इशू इससे नहीं मिला। आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ, ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं प्रोटीन या फिर BCA क्रिएटिन वगैरह, मतलब सभी को इंक्लूड कर रहा हूं मैं, तो आप लोग ऐसी वेबसाइट से लेना प्रेफर करें जो आप लोगों को लगे कि ये ट्रस्टेड वेबसाइट है, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी मिलावट होती है जिससे कि अपनी मनी तो वेस्ट होती है और उसे लेने से अपना शरीर भी खराब होता है। तो मेरी माने तो आप लोग किसी ऑथराइज्ड वेबसाइट से या सेलर से ही लेना प्रेफर करें। अगर आप लोगों को ऑफलाइन अवेलेबल है तो सबसे अच्छा वो ही है। तो मैं आप लोगों को ये कह रहा हूं कि इसे कि किसी ऑथराइज्ड वेबसाइट से ही खरीदे। और आप लोग अगर प्रोटीन लेना स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, पर स्टार्टिंग मेरे हिसाब से बिगनर से ही करें, क्योंकि ये आपको चीप भी मिल जाएगा एंड सेकंड थिंग इज आप लोगों को पता लग जाएगा कि आपकी बॉडी इन चीजों को किस तरीके से लेती है। और इसके चार फ्लेवर और भी हैं, आप लोगों को जो सा ठीक लगे आप उसकी तरफ जा सकते हैं। रेट सभी का सेम है। बात करें इसकी मिक्सिबिलिटी की,
तो इसकी मिक्सिबिलिटी में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बात करें डाइजेशन में, और डाइजेशन से रिलेटेड भी इशू आपको नहीं आएगा, बट शर्त है कि आप लोगों को जेनुइन प्रोडक्ट मिला हो, फेक का तो मैं कुछ कह नहीं सकता। और आप लोगों को एक और बात बता दूं, इसे जैसे आप कंज्यूम करेंगे तो आप लोगों को आपके स्टमक में बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा। कुछ लोग कमेंट करते हैं, रिव्यू भी देखे हैं मैंने, वो कहते हैं कि कुछ प्रोटीन लेने से आप लोगों को हैवी हैवी फील होता है, जिससे कि आप वर्कआउट में जाने में प्रॉब्लम महसूस करते हैं। तो इसके साथ आप लोगों को उस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। मेरी वीडियो आई हो पसंद तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। अगर आप लोगों का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।